सब्सक्राइब कीजिए MSY यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मदर सैयद यूसुफ़ज़ई और आप लोग देख रहे हैं MSY टीवी। दोस्तों, एक बार फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और आप लोगों के लिए लाया हूं सऊदी का न्यूज़ अपडेट। दोस्तों, सऊदी अरब में पहला सिनेमा घर कहाँ खोला जाएगा? तो देखिए, इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों का इस वीडियो में बताऊंगा कि सऊदी अरब में पहला सिनेमा घर कहाँ खोला जाएगा, उसमें कौन सा फिल्म लगेगा और वो कौन से तारीख को खुलेगा और उसका टिकट कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। उससे पहले अगर मेरा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मैं चलता हूँ वीडियो की तरफ। ठीक है दोस्तों, सऊदी अरब में पहला सिनेमाघर कहाँ खोला जाएगा? रियाज में पहला सिनेमाघर खोला जाएगा। सऊदी अरब का पहला सिनेमाघर रियाज किंग अब्दुल्ला सेंटर में खोलने का इम्कान है। जरिए का कहना है कि अमरीकी कंपनी AMC 18 अप्रैल को पहले सिनेमाघर का इफ्तिताह करेगी। दूसरा सिनेमाघर जद्दा में कायम होगा। वाजह रहे कि सिनेमाघर खोलने की इजाज़त मिलने के बाद मुत्तहिदा आलमी कंपनियां ममलिकत में इस शोबे में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। सऊदी अरब ने सिनेमाघर खोलने का पहला लाइसेंस AMC कंपनी को जारी किया। ये दोस्तों सऊदी अरब में सिनेमा घर कहाँ खोला जाएगा ये मैंने आप लोगों को बताया। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सऊदी अरब में खुलने वाले सिनेमा घर का पहला शो कौन सा होगा और उसका टिकट कौन सा होगा और कौन सा फिल्म उसमें लगेगा। ठीक है दोस्तों, सऊदी अरब में खुलने वाले पहला सिनेमाघर का पहला शो कौन सा होगा? सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में 18 अप्रैल को खुलने वाले पहले सिनेमाघर में दिखाए जाने वाले पहले शो का फैसला कर लिया गया है। सऊदी अरब में खुलने वाले सिनेमा का पहला शो ब्लैक पैंथर का होगा। इब्तदाई तौर पर जिसका टिकट 50 रियाल मुकर्रर की गई है। सऊदी अरब में 3 दिहाइयों के बाद पहला सिनेमाघर रियाद में 18 अप्रैल को खुल जाएगा। हकाम ने बुध को बताया कि गुज़िश्ता साल सऊदी अरब में सिनेमाघर पर लगी हुई पाबंदी लिबरल तहरीक के ज़ेर असर हटाई गई थी। AMC तफरीक कंपनी के सिनेमा को चलाने के लिए पहला लाइसेंस दे दिया गया। सऊदी रियासती जरिए इबला के मुताबिक अमरीका कंपनियों के अगले 5 सालों में 15 सऊदी शहरों में 40 सिनेमाघर खोलने की तैयारी कर रहे हैं। वजारत इतलात के मौसूलत के इंटरनेशनल सेंटर ने एक बयान में कहा है कि AMC कंपनी सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में 18 अप्रैल को पहला सिनेमाघर खोलने जा रहे हैं। मजीद सिनेमा हॉल तजारती मॉल्स में कायम की जा रहे हैं। सऊदी अरब में तजारती कम्प्लेक्स के डायरेक्टर ने मजीद कहा कि तजारती मॉल्स में कायम की जाने वाले सिनेमा हॉल्स जदीद हदूद में तामीर की जा रहे हैं जिनमें फैमिली सेक्शन के लिए अलग इंतजाम होंगे। मॉल्स में तफरी सेक्शन में फूड कोर्ट भी बनाया जाएगा जहाँ फैमिलीज के लिए पार्टीशन बनाए जा रहे हैं ताकि वहां आने वाले खानदान आराम व इत्मीनान से तफरी कर सकें। अल-फ़ाहरी ने मजीद कहा कि मुनक़्क़द दारों के जानिब से सिनेमा हॉल्स के लिए लाइसेंस के हसूली के लिए मराहिल तेज़ी रफ्तारी से मुकम्मल की जा रहे हैं। इन मॉल में जहां सिनेमा हॉल्स बनाए जा रहे हैं रात गए खुला रखने की खसूसी पॉइंट भी जारी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आप लोगों के लिए लाया था कि सऊदी अरब में पहला सिनेमा रियाज में खोला जाएगा। ठीक है, और रियाज में कौन सी जगह पे खोला जाएगा? तो अब्दुल्ला सेंटर में खुलने का इम्कान है और इसमें ब्लैक पैंथर का एक शो, पहला शो जो है ना ब्लैक पैंथर का लगेगा और उसका इब्तदाई टिकट 50 रियाल मुकर्रर की गई है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।